यूपी के बागपत में बदमाशों का आतंक है। बदमाश आए दिन आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला बड़ौत कोतवाली का है, जहां मोटरसाइकिल पर सवार तीन बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को सीएचसी बड़ौत में भर्ती कराया। युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। युवक की पहचान सूप गांव के रहने वाले अमित के तौर पर हुई है। इस मामले में जानकारी देते हुए सीओ आलोक कुमार ने बताया कि पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। आज थाना बड़ौत क्षेत्र में ये लोहड्डा पुलिया के पास ये अमित सनोत राम मेहर ये आजाद नगर बड़ौत के रहने वाले हैं। अपने चाचा के साथ जा रहे थे, तभी इनका कहना है कि तीन व्यक्ति जो वहाँ भांग के पत्ते मल रहे थे, उन लोगों ने इन लोगों को गोली मार दी है और इनको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहाँ ये खतरे से बाहर हैं। इन अभियुक्तों की तलाश की जा रही है और मुकदमा लिख के वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।